अभी हम लोग फरीदाबाद के सूरज कुंड मेले में हैं और मेले में तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई है। आइए हम मेले की झलक देखते हैं और इस क्राफ्ट मेले में लोगों से बातचीत भी करते हैं कि आखिर में लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या देखने आए हैं। सूरज कुंड मेले में एक कर्नाटका के शॉप पर खड़े हैं, आइए जानते हैं कि आखिर में इस शॉप में क्या है। मैडम, इस शॉप में आपको सिल्क का सूट मिलेगा और साड़ी मिलेगा, प्योर कांजीवरम और मैसूर सिल्क। सबसे ज्यादा इस साड़ी की डिमांड इस मेले में कहाँ के लोग कर रहे हैं? मैडम, सारे लोग करते हैं डिमांड। फरीदाबाद में भी आते हैं, गुड़गांव का लोग भी आते हैं, दिल्ली वाले भी आते हैं, बट सारे लोग पसंद करते हैं। बट इस बार गर्मी के वजह से रियल बायर्स नहीं आया है। जो हकीकत जो बाई करते परचेस करते हैं ना, वो लोग नहीं है। फालतू भीड़ बहुत है, यानी खरीदने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसी भीड़ आ रहे हैं। तो इस मेले में पहली बार आए हैं आप? मैं 25 साल से आ रहा हूँ, 25 ईयर्स। अच्छा, इस मेले में 90 से आ रहा हूँ, 1996 से आ रहा हूँ। अच्छा, आपके पास जो साड़ी है वो मिनिमम उसकी मतलब मिनिमम प्राइस से लेकर और मैक्सिमम तक कितने का है? 2000 से लेके 2 लाख रुपए तक साड़ी है। अच्छा, 2000 से लेके 2 लाख तक की साड़ी है आपके पास। हाँ जी। यहाँ पर मतलब अभी जो है बिल्कुल भीड़ नहीं दिख रही है कि कुछ साड़ियाँ बिक रही है? तो बहुत है मैडम, भीड़ तो बहुत है। ये भीड़ नहीं चाहिए मेले में। मेले में सारे लोग देखे कोरोना से बहुत परेशान है। सारे लोग एक साल तो मेला नहीं लगा, 2 साल में एक बार लग रहा है। और लोग सारे कोरोना में बहुत बुरी हालत में है, उनको बिक्री चाहिए, सेल चाहिए, बट वही मेन चीज नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी साड़ियाँ जो मतलब बिक रही है इक्का दुक्का, वो इंडिया के लोग खरीद रहे हैं या फॉरेन के? नहीं, साड़ी फॉरेन के लोग नहीं खरीदते, सिर्फ इंडियन ही खरीदते हैं। बट NRI का सीजन नहीं है ना, अगर NRI हो तो NRI भी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भजन गा रहे हैं और पोस्टर भी ध्यान कक्ष का लेकर हाथों में भजन गा रहे हैं, घूम रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर में ध्यान कक्ष क्या है। ये ध्यान कक्ष जो है ये क्या है, ध्यान कक्ष क्या है? आपने जो सवाल पूछा वो बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि आज की डेट में ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि इंसानियत क्या है और हमें पीस कहाँ से मिलेगा। तो उसी के लिए, इंसानियत को वापस लाने के लिए और शांति के लिए इस ध्यान कक्ष को खोला गया है। ये ध्यान कक्ष सत्युग दर्शन ट्रस्ट के परिसर में, जो कि भोपानी फरीदाबाद में है, वहाँ पे खुला हुआ है। इस ध्यान कक्ष को शुरू करने का जो एक लौता मोटिव था, वो आपको अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी लिव फॉर ह्यूमैनिटी, वी वर्क फॉर ह्यूमैनिटी एंड वी डाई फॉर ह्यूमैनिटी। तो इंसान को इंसानियत वापस लेके आने के लिए इस ध्यान कक्ष को खोला गया है। आप लोग कैसे इंसानियत जो है वापस लाते हैं, कैसे लोगों के अंदर से? तो इंसान में जो गुण है, जो इंसानी गुण है, वो सबके पास होते हैं। अब आप जो बच्चा पैदा होता है उस, वो बिल्कुल पायस होता है, बिल्कुल प्योर होता है, उसमें कोई बाहर का काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो सब नहीं होता है। तो इसलिए जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसमें आ जाता है, उसको नष्ट करने के लिए हमारा जो संतोष धैर्य सच्चाई धर्म, ये जो 5 सवाल है, ये हमारे जो हैं, इनको हमने हल करके पकड़ना है। अब संतोष धैर्य चाई और जो धर्म है, अब आपको मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपने अगर आज स्कूटी ली है, आपने अगर आज बाइक ली है, तो क्या आपके मन में कामना पैदा होती है कि 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद मैंने गाड़ी लेनी है? होती है। इसी तरीके से वो जो कामना है वो कभी बंद नहीं होती। एक होती है ज़रूरत, एक होती है इच्छाएँ और एक होती है कामनाएं। तो वो जो कामनाएं हैं वो कभी बंद नहीं होती हैं। उसके बाद अगर कोई कामना पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, तो आपको गुस्सा चढ़ेगा उसके लिए, ठीक है जी। और क्रोध का दोस्त है लोभ, लोभ उत्पन्न होता है, फिर मोह उत्पन्न होता है और अहंकार आ जाता है। तो इसको मतलब आप लोग रोकने के लिए, कामना रोकने के लिए क्या करते हैं आप लोग? हाँ जी, तो हमारे यहाँ पे कोई समाधि लगा के मेडिटेशन या ध्यान नहीं सिखाया जाता है, क्योंकि जो ध्यान है एज अ वर्ड, वो हमारे यहाँ पे, अगर मैं आपको जनरल सेंस में भी बताऊँ, आप किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं, आप क्या बोलते हैं कि ध्यान से करिएगा, बोलते हैं ना जी। तो वो जो ध्यान से करना है, वो जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पे हमें रीच करना है, उसको रीच करने के लिए हमारे यहाँ पे क्लासेस होती हैं 10 to 12 एवरी संडे। अभी 10 to 12 क्लासेस होती हैं एज सत्संग के रूप में, और ध्यान कक्ष में भी कोर क्लासेस फ्रॉम अप्रैल शुरू होने वाली है। और 10 से 4
रोज सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक ध्यान कक्ष यहाँ पे खुला है, मंडे से लेके संडे तक। आप विजिट करिए, हमारे वॉलंटियर्स आपको और भी बता पाएंगे उसके बारे में। ये जो ध्यान कक्ष है, इसके ब्रांचेज कहाँ कहाँ हैं? ध्यान कक्ष खोला गया है सतयुग दर्शन ट्रस्ट की ओर से। सतयुग दर्शन ट्रस्ट उपस्थित है ऑल ओवर इंडिया, और ध्यान कक्ष एज अ जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ फरीदाबाद में ही है, जो भूपानी लालपुर गांव में है। सतयुग दर्शन की उपस्थिति ऑल ओवर इंडिया डिस्पेंसरीज, संगीत कला केंद्र और सत्संग के रूप में है। हमारे वहाँ पे डिस्पेंसरीज चलती हैं, कुछ 20-21 स्टेट्स में डिस्पेंसरीज चलती हैं सतयुग दर्शन ट्रस्ट की तरफ से। तो इसकी कोई फीस है या आप लोग फ्री में करते हैं? ध्यान कक्ष में कोई फीस नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है। किसी भी एज का सज्जन, कोई भी धर्म का सज्जन, कोई भी जेंडर का सज्जन आके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर यहाँ पर कोई क्लासेस अटेंड करना चाहता है तो उसके लिए क्या है? अगर आपको क्लासेस अटेंड करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए, dhyankaksh.org एंड dhyankaksh.com हमारी दो वेबसाइट्स हैं। इवन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में भी ध्यान कक्ष के नाम से हमारे पूरे चैनल्स हैं और हैंडल्स हैं। आप फॉलो करिए और वहाँ पे क्लासेस का अपडेट्स आ जाता है। इस मेले में आप पहली बार आए हैं कि पहले भी आ चुके हैं? ध्यान कक्ष की ओपनिंग अक्टूबर 2021 में करी गई थी, तो उसके बाद इसका प्रमोशन शुरू हुआ है, और ऑब्वियसली फिर कोविड आ गया था तो मेले चल नहीं रहे थे। सूरजकुंड में ध्यान कक्ष को पहली बार लेके आया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अभी सूरजकुंड मेले में यहाँ पर जो है थाईलैंड का शॉप है, और यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है खरीदारी कर रही हैं। हम उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या खरीदारी कर रही हैं वो। अभी जो है थाईलैंड का जो शॉप है, यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, तो यहाँ पर क्या खरीद रहे हैं आप लोग? मैं तो अपने बच्चे के लिए सामान खरीदता हूँ, बच्चे के लिए सामान खरीदता हूँ, क्योंकि क्या खरीद रहे हैं और सामान अच्छे हैं। मैडम भी आई हैं। मैम आप क्या खरीद रही हैं? आप क्या खरीद रही हैं? सेरेमिक डॉल्स हैं, काफ़ी सारे खिलौने हैं खरीद रहे हैं और क्या। अच्छा, तो ये क्या क्या खरीदे आप? सेरेमिक के डॉल्स हैं, खिलौने हैं, रबर बैंड्स हैं। फ्रिज के लिए खरीद रहे हैं, मैग्नेट के लिए, इसके लिए खरीद, फ्रिज पे लगाने के लिए, फ्रिज पे। अच्छा 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 अच्छा, थाईलैंड का आई थिंक इसलिए अच्छा है सामान यहाँ पे। और क्या खरीद रही हैं आप? अभी तो आए हैं, यही खरीदा है अभी तो। आप क्या खरीद रही हैं? मैं इनके साथ ही हूँ, ये मेरी मदर है, और अभी हम लोग यहाँ पे ये काफ़ी यू नो अट्रैक्टिव है ये सारा सामान आप देख रहे हैं। हमने सूट्स वगैरह देखे हैं, इट्स अ गुड कलेक्शन, एंड अभी काफ़ी टाइम बाद आए हैं क्योंकि ये कोविड के बाद एक अच्छा ब्रेक है ये। तो मेले, इस मेले में पहली बार आई हैं? नहीं नहीं, पहले हम आए हुए हैं क्योंकि हम गुड़गांव से ही हैं, तो हम आते हैं जब भी लगता है, पर अभी गैप के बाद हुआ है, सबको ही पता है कोविड के बाद ये पहली बार। हाँ। यहाँ पर क्या क्या अच्छा लग रहा है आपको इस शॉप में? इस शॉप में मुझे तो अभी ये बड़ी अच्छी क्यूट सी आइटम्स है अगर आप देखोगे तो, और उसके बाद ये बुद्धास का है, आई मीन दिस ऑल कलेक्शन इज़ वेरी गुड अट्रैक्टिव। We are from Thailand. Thailand. Yes. You know Hindi? No, I cannot speak Hindi. I can say Namaskar. Can you speak English? English, of course, I can. Okay. Tell me about something. These are ladies hair clip. These are 50 rupees pair. Okay. And what is this? Oh, those are back chain, key chain. And about cap. Those caps, they are 400 per piece. And in which type customer is coming here? I'm sorry? In which type customer coming here? Oh, I think mostly they are women stuff, so most of the customers are women. Indian or foreign? Oh no, this stuff are from Thailand. We are from Thailand, so we export everything from Thailand. We bring everything from Thailand and we sell here. Thank you so much. India, very nice place, thank you. Thank you. अभी हमारे पास सूरजकुंड मेले में कुछ छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, हम उनसे बातचीत करने वाले हैं कि आखिर में वो मेले में क्यों आए हैं, उनको इस मेले में क्या अच्छा लग रहा है। आप सबसे पहले कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। मैं कॉलेज से आए हैं? आप कॉलेज से आया हूँ मैं, फैशन डिजाइनिंग YMCA से। इस मेले में पहली बार आए हैं आप? यस, मेरा फर्स्ट टाइम है ये। तो इस मेले में आपको क्या अच्छा लगा सबसे अच्छा? सब कुछ अच्छा था, मतलब सीखने के लिए काफ़ी कुछ है, मतलब जैसे कि अलग अलग कल्चर स्टेट का और फैब्रिक और ट्रेडिशनल, मतलब हर तरह का अच्छा था।
सबसे अच्छा आपको क्या लगा जो आप किसी को मतलब कन्विंस करेंगे कि भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तुमको भी अच्छा? ऑर्डर यहाँ पे सब कुछ है, यानी हर तरह कल्चर और ट्रेडिशनल भी है, और मतलब ज्वेलरी और एक पोशाक कल्चर मतलब कहना रहे सब कुछ है यहाँ पर। आप अकेले आए कि आपके साथ आपके दोस्त फ्रेंड भी आए? भाई साथ में और फ्रेंड भी है। खरीदा कुछ नहीं है, बट हमने फैब्रिक प्रिंट और ट्रेडिशनल ज्वेलरी और पहनाव और गाँव की जानकारी हमने मतलब काफ़ी मैंने लिया जानकारी लिया हमने। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? चेतन। चेतन कहाँ से आए हो आप? मैं पलवल से आया हूँ, हरियाणा। पलवल हरियाणा से। अच्छा, पहली बार आए हो इस मेले? नहीं, मैं हर साल आता हूँ यहाँ पे। अच्छा, अभी इस मेले में आपको सबसे अच्छा क्या लग रहा है? सब जैसा यहाँ पे सारा कुछ अच्छा, हर साल कुछ नया देखने को मिलता है। अब इसमें जो हैंडमेड चीज़ें हैं वो हम रोज हर बार नई देखने को मिलती हैं। इस बार अच्छा डेकोरेशन है नाइट में, और इसमें अभी जो है ऐसा मतलब आपको कुछ तो होगा जो आपको सबसे अच्छा? यहाँ पे हरियाणवी संस्कृति अच्छी लगी, जो हरियाणवी कल्चर वो देखा मैंने यहाँ पे, जो हमारा पुराना हरियाणवी कल्चर वो देखने को मिला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा मतलब आपने क्या खरीदा इस मेले में से? खरीदा कुछ तो खरीदा होगा। जो हमारी पुरानी चीजें हैं जो इस मॉडर्न वर्ल्ड में खत्म हो गई वो हमें देखने को मिल रही है, हमें उन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अगर कुछ मतलब किसी को कन्विंस करना होगा कि भाई इस मेले में सूरजकुंड मेले में मुझे सबसे अच्छा ये लगा, तो क्या मतलब कन्विंस, क्या कह के कन्विंस? अच्छा, मुझे मेरा हरियाणवी कल्चर लगा, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, वही मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। सूरजकुंड मेले में हमने तमाम लोगों से बातचीत की। मैं दिव्या तिवारी, कैमरामैन अभिषेक के साथ, खबर टुडे न्यूज़।